कोटपुतली से श्याम शक्ति मंडल के तत्वाधान में राजमार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर से खाटू धाम के लिए श्याम बाबा की पदयात्रा निशान के साथ बुधवार को बड़े ही धूमधाम वर्षोल्लास के साथ रवाना हुई। पदयात्रा को पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने श्याम ध्वजा दिखाकर रवाना किया। पदयात्री श्याम बाबा की झांकी के साथ खाटू नरेश की जयकारों के बीच नाचते गाते रवाना हुए। वहीं गायक कलाकारों द्वारा यात्रा में भजनों की प्रस्तुति भी दी गई। पदयात्रा से पूर्व हाईवे स्थित श्री श्याम मंदिर में पुजारी पंडित नरेंद्र शर्मा द्वारा श्याम बाबा के चढ़ाए जाने वाले निशानों और श्याम प्रभु की पूजा अर्चना कर ज्योत प्रज्वलित की गई। इसके बाद पदयात्रियों ने शहर भर में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्याम लाल बंसल व सचिव मनोज दीवान ने बताया होटल शकुंत में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को सुबह रवाना होंगे। इसके बाद पदयात्रा शुक्रवार को त्रिवेणी धाम से व शनिवार को महरौली से सुबह रवाना होकर रात्रि तक खाटू धाम पहुंचेगी। श्री श्याम शक्ति मंडल के कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सैनी व श्याम भगत रमेश जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटपुतली से श्याम प्रेमी निशान पदयात्रा के लिए रवाना हुए। सभी भक्तों के लिए रास्ते में भोजन पानी व विश्राम आदि की व्यवस्था श्याम शक्ति मंडल कोटपुतली के द्वारा की गई है। पदयात्रियों से अपील है कि वे अपने अपने पहचान पत्र साथ रखें। बच्चों को साथ ले जाने वाले श्रद्धालु उन्हें स्वयं संभालें। मेले के दौरान सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए हमेशा अपने मुंह पर मास्क लगा कर रखें। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन महेंद्र कुमार सैनी, जितेंद्र जोशी, योगेश शरण सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे।